जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है 15 तारीख और 17 तारीख से आप सभी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 17-18 से। तो सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे और पता चल गया होगा कि सेंटर आपका कौन सी कॉलेज में है, कहाँ पर एग्ज़ाम है आपका। तो अब आ रहा है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में करना क्या, ऑफलाइन एग्ज़ाम है ये, ऑनलाइन तो है नहीं। जो टेक लगाया वहीं से सेव कर देंगे कंप्यूटर पर। ऑफलाइन एग्ज़ाम में होता क्या है कि गोले भरने पड़ते हैं और OMR सीट होती है, ठीक है। तो मेरे पास ये OMR सीट है, इस साइड फिल की हुई पुरानी है मेरी खुद की, और इस साइड में बैग में बताया गया है कि किस तरीके से जो है गोला वगैरह भरनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये तो रहा गोला भरने का, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें गोला भरी जाएंगे। लेकिन भरने के लिए भी एक ऐसी पेन चाहिए जो मतलब समय भी बचाए आपका और गोला भी अच्छे से भर जाए। तो देखो, ये पेन है रोरेटो की है, ब्लैक पेन, और मैं रिकमेंड करूँगा आपको ब्लैक पेन यूज़ करें आप गोला भरने में, ब्लू पेन का यूज़ मत करना बिल्कुल भी। ये ब्लैक पेन है मेरे पास रोरेटो की, जो मैंने अब तक जितनी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए मैंने इसी को यूज़ करता हुआ आया हूँ। अभी मेरा छोटे भाई का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी मैंने यही ख़रीदने के लिए बोला, तो यही मंगाई है मैंने, ठीक है। तो आप इस जो है पेन को मंगा लेना अपने लिए, क्योंकि इसकी जो निब है ना थोड़ी मोटी आती है, और एक दो राउंड लगाओगे उसी में आपका गोला फिल हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको गोला किस तरीके से भरने हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो लेकिन आपने गोला गलत भर दिया, थोड़ा आउट उल्टा सीधा कर दिया, तो आपका सही क्वेश्चन है ना वो सिर्फ गोला भरने के तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है, उसके तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं तुमको बताऊँगा कि किस तरीके से गोला भरा जाएगा। अब आप जो है इस पर फोकस करना। तो गाइस देखिए, इस साइड में पहले ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको ये देख लीजिए कि गोला किस तरीके से भरा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है, ये इसमें दिखा रहा है एकदम प्रॉपर जो गोला सही तरीके से भरा हुआ है, तो इसमें दिखा रहा है कि सही है। अब ये गलत 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 जो दिखा रहा है इसमें क्या सीन है मैं बताता हूँ। देखो, अब अगर आप किसी भी गोले को भरने की जगह आप उस जगह पर टिक लगा दोगे तो आपका जो है क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें टिक नहीं लगाना, गोला फिल करना है, ठीक है। तो ऐसे टिक नहीं लगाना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और आप जो टिक लगाने की जगह पे मतलब गोला भरने की जगह पे आप ऐसे क्रॉस का निशान बना दे रहे हो तो ये भी गलत है। आप जो आधा गोला भर रहे हो ये भी गलत है, ठीक है। और ये गोला है लेकिन ये पूरा तो किया तुमने, साइड साइड से पूरा करते लेकिन बीच में जो खाली रह गया, गोला भरते टाइम बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहना चाहिए उसमें, ठीक है। अब ये पूरा भरा हुआ है लेकिन बीच में खाली है, तो ये भी जो है गलत हो गया। अब ये तो रहा भरने का तरीका, ठीक है। और अगर आपने किसी में डबल जो है गोले भर दिए हैं, जैसे आपको मान के चलिए ये ऑप्शन भरा हुआ ये सही है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, आपने किसी भी मतलब अनजाने तरीके से आपने दूसरा भी गोला भर दिया है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है गलत माना जाएगा, ये सही नहीं होगा, चाहे बेशक आपने इसमें से एक क्वेश्चन सही किया हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा गलत। तो ये तरीका जो है ये एकदम सही है कि गोले को जो है प्रॉपर भरा जाएगा, बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए, आधा गोला भरा भी नहीं होना चाहिए, पूरा ऐसे टिक लगाना भी नहीं चाहिए, और क्रॉस का जो चिन्ह लगा दे ये भी नहीं होना चाहिए, सही है ये, ठीक है। अब मैं आपको गोला भर के ही बताता हूँ एक जो है, अब थोड़ा नज़दीकी सी देखे मैं इसे फोकस करवा रहा हूँ। अब जैसे ये है ए ऑप्शन मान के चलो हमारा सही है, हम ए ऑप्शन को भरने वाले हैं, तो हमें करना क्या है कि पेन एकदम सही होनी चाहिए, ऐसे 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 करोगे तो ये देखो ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे गोला नहीं भरना है, ठीक है। हमें क्या करना है, गोले को एकदम ऐसे रखना है और एकदम राउंड शेप में ऐसे भरते हुए जाना है इसको, ठीक है। ऐसे 2-3 बार करोगे आप जो एकदम गोला एकदम फिक्स भर जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से ये गोला जो भरा गया एकदम सही तरीका है इस तरीके से भरने का, ठीक है। आप ऐसे बाहर ऐसे करोगे ना, ऐसे क्या है कि बाहर निकल जाएगा और टाइम ज़्यादा लेगा, एकदम सर्कल बनाते हुए लाइए इस तरीके से, ये 2-3 राउंड लेने में गोला हो जाएगा फिल। मात्र 1 या 1.5 सेकंड लगती है गोला भरने में, 1 सेकंड भी नहीं लगता अगर सही से प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये नीचे तरीका बताया गया है कि रोल नंबर वगैरह और जो भी डेट वगैरह जो भी चाहिए वो किस तरीके से भरी जाएंगी, ठीक है। पहले आपको ऊपर नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, उसी हिसाब से नीचे नंबर पड़े हों वही गोले भरने हैं, ये नहीं है कि ऊपर भर दिया और तुमने नीचे नीचे भी ऐसे उल्टा सीधा लगा दिया तो वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि OMR सीट सिर्फ एक मिलती है, ठीक है। OMR सीट एक मिलती है, वो एक ही भरनी है। आप उसमें ये सोचे हम वाइटनर लगा देंगे, वाइटनर जो लगाओगे ना वाइटनर ऊपर के ऊपर, जैसे ये है वाइटनर ऊपर दिखेगा, लेकिन जो वहाँ पे सीट जाएंगी वो दो सीट जाती हैं, 3 सीट होती हैं इसमें, एक तो ये लास्ट वाली आपको मिल जाती है, 3 सीट होती हैं वो जो जमा होती हैं। वाइटनर लगाओगे तो ऊपर वाइटनर तो दिखेगा लेकिन नीचे जो प्रिंट हो जाएगा वाइटनर वाली जगह पर भी, ठीक है। तो वाइटनर का यूज़ नहीं करना है इसमें,
थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से भरना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से है। जैसे अभी एक है तो एक ही भरा जाएगा, दो है तो दो भरा जाएगा, तीन है तो तीन भरा जाएगा, चार है तो चार भरा जाएगा, ऐसे भरा जाना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप उल्टा सीधा कुछ भी भर दोगे इसमें। बहुत ही सावधानी से थोड़ा समय लेके भरें, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए इधर से ये मेरे जो क्वेश्चन वगैरह करे हुए हैं वह इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भरे जाते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये थोड़े आउट हो रहे हैं, तो ये हमें मतलब ये कॉपी जो हमारे पास रहती है इसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे मेन जो सीट है वो जमा जो होती है वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आगे ले कमरा। तो अभी आपने देखा मैंने किस तरीके से बताया आपको जो कि किस तरीके से गोला वगैरह भरना वो सारी चीज़ें हैं, और पेन भी कौन सी यूज़ करनी, आप कोई सी भी कर सकते हो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा सबसे अच्छी पेन है गोला भरने के लिए, ये जो है स्पेशल उसी के लिए मान के चलो इसे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मोर्टिन बेस की बहुत जल्दी गोला कवर करती है, अच्छी है। ठीक है, न रुकेगी, ये नहीं कि बहुत चीज़ नई नई पेन ले लेके जाते हैं और रुक जाती हैं। जब भी जैसे आप इस पेन को लो या कोई भी पेन लेके जाओ ना, थोड़ा उसको चला लीजिए, उसे थोड़ा काम कर लीजिए या ऐसी रफ कर लीजिए, क्योंकि उससे जो है उसकी निब जो है स्मूथ हो जाएगी, तो वहाँ पर चलने में दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, एक से दो पेन लेके जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेके जाओ, क्या पता कौन सी धोखा दे जाए आपको। जो ब्लैक पेन लेके जानी है, ठीक है, दो दिन बचे हैं आपके पास, बढ़िया टाइम दीजिए अपने पढ़ाई को, तो अच्छा रिजल्ट आए आपका। और अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, मैं अभी इस टाइम घर पर हूँ, अपने घर पर ही छत पर बैठा हुआ घर पर शूट कर रहा हूँ वीडियो में। छोटे भाई का एग्जाम था, उसको भी दिलवाने जाना है, वहाँ भी जाऊँगा साथ में। और जो भी भाई बहन हाथर सेंटर है उनका, वो हो सका तो आपसे मिलेंगे भी हम वहाँ पर। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था कि गोले किस तरीके से भरे जाने हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप में से काफ़ी भाई बहनों ने एग्ज़ाम भी दिए होंगे, जैसे ऐसा ये नहीं है कि कंपटीशन वाले एग्ज़ाम दिए होंगे, जब भी आपको MRCET की जो है प्रैक्टिस होगी, आपने BA BSc वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम दिए होंगे, उनमें भी एक एक पेपर जो है हर एक सब्जेक्ट का OMR बेस्ड होता है, तो उसमें भी पता चली गया होगा आप लोगों का कि गोला किस तरीके से बनना है। ठीक है, लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है इसका क्या है कि जो नए वो हैं फर्स्ट टाइम ही जो ऐसे एग्ज़ाम देंगे, फर्स्ट टाइम OMR बेस्ड जो भी एग्ज़ाम ये UP Police का देने वाले हैं, उनको आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से गोला भरा जाना है, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, और बाकी तो आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट।